जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल वैकेंसी लवर में। तो दोस्तों, काफ़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि दोस्तों आपको जो भी UPSI वाले अभ्यर्थी हैं जो कि ओवर एज हो गए थे, तो कल कोर्ट का फैसला आया था कि उन अभ्यर्थियों को 3 साल की छूट दी जाएगी, यानी कि अब उनकी एज 1 जुलाई 2021 से काउंट ना करके 1 जुलाई 2018 से काउंट की जाएगी। तो दोस्तों फाइनली 3 साल की छूट दी गई थी उन अभ्यर्थियों को जो कि ओवर एज हुए थे UPSI की भर्ती में। तो दोस्तों अब यूट्यूब पर घमासान मचा हुआ है अभ्यर्थियों के बीच में। ये डाउट है कि ये जो फैसला आया ये सिर्फ जो याचिकाकर्ता थे उन लोगों के सिर्फ उन्हीं को इस चीज़ का लाभ मिलेगा या फिर सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि अरब अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर पाएगा जो भी ओवर एज हो गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट चर्चा करूँगा कि क्या कोर्ट की अपडेट आ रही है निकल के, और ये भी देखेंगे कि क्या रहा भर्ती बोर्ड का अंतिम निर्णय। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हम जो भी नया अपडेट लाते हैं आपको सबसे पहले तुरंत पहुँचता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करते हैं कि UPSI में 3 साल की छूट दी गई जो भी अभ्यर्थी ओवर एज हो गए थे। ठीक है, और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आदेश जो आया है वो याची आदेश है या फिर सामान्य आदेश है। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये निर्णय अंतिम निर्णय भर्ती बोर्ड का है कि वो क्या निर्णय लेता है, लेकिन ये 100% कन्फर्म है कि भर्ती बोर्ड भी नहीं चाहेगा कि वैकेंसी ज़्यादा लटकाई जाए। ठीक है दोस्तों, तो मुझे यही उम्मीद है कि और सभी लोगों को यही उम्मीद है कि ये आदेश सामान्य नहीं रहेगा, यानी कि जनरल ऑर्डर ही आएगा जिससे कि सभी अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर पाएंगे, जो याची थे या याची जो नहीं थे दोनों लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों अब आप तैयार हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी तगड़ा होने वाला है, क्योंकि ये 3 साल के बच्चे जो आएंगे ना ये काफ़ी, क्योंकि अब जनरल वाले जो बच्चे होंगे वो 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि पहले 25 साल की इनकी लिमिट थी लेकिन अब इनको एक्सटेंड करके 3 साल बढ़ा दिया गया, यानी जनरल के जो भी बच्चे होंगे वो 28 साल तक अब फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों आपके पता है कि OBC SC ST वालों को 5 साल की छूट दी जाती है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कंपटीशन काफ़ी तगड़ा होने वाला है। और कोई नहीं दोस्तों, अगर आपकी तैयारी अच्छी है और मन मन में दृढ़ विश्वास है तो आप इस एग्जाम को जरूर क्वालिफाई कर लेंगे। दोस्तों अगर कोर्ट से या फिर भर्ती बोर्ड से कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों अब आगे जो भी नोटिस आता है उसको आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपने सेहत का ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और धन्यवाद दोस्तों।